Hello student, how are you? Hope all of you are fine. Today is your world science class also. So take your book and open your books. Page number 5. Chapter 1, Tenzing and his pencil. Tenzing और उसका pencil. Chapter 1, आज chapter 1 world science में पढ़ाया जाएगा. First chapter का name क्या है? Tenzing and his pencil. Introduction. After reading this story, students will learn the values like वैल्यू ऑफ ट्री, ट्री का वैल्यू समझोगे, स्पेंडिंग टाइम वाइजली, स्पेंडिंग थिंग्स वाइजली, केयरिंग फॉर द एनवायरमेंट, कंजर्वेशन ऑफ थिंग्स. ओके, हे फ्रेंड्स, फाइंड आउट द नेम्स ऑफ फाइव थिंग्स दैट वी फाउंड इन आवर एनवायरमेंट फ्रॉम द गिवन वर्ड सर्च. नाउ इसमें आपको फाइव वर्ड दिया गया है जो एनवायरमेंट से रिलेटेड है. ओके, आपको क्या करना है, वर्ड को सर्च करना है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ बता दूँ, एनिमल्स. ओके, यहाँ ऐसे ही फाइव वर्ड्स है जो एनवायरमेंट से रिलेटेड है, आपको वो सर्च करनी है. यू नो माई फ्रेंड टेंजिंग हैज़ अ वेरी बैड हैबिट ऑफ वेस्टिंग थिंग्स. आप मेरे फ्रेंड को टेंजिंग को जानते हो जिसकी बहुत ही गंदी आदत थी कोई भी चीज़ को वेस्ट करने की. उसकी गंदी आदतों के एक मैं स्टोरी आपको बताता हूँ. ये टेंजिंग का फ्रेंड है जो टेंजिंग के बैड बिहेवियर से बहुत गुस्सा रहता था. तो वो एक स्टोरी बता रहा है कि टेंजिंग कैसे बिहेव करता था. टेंजिंग पेंसिल बिकम्स अ लिटिल स्मॉलर, सो ही इज़ आस्किंग हज डैड फॉर न्यू पेंसिल. टेंजिंग के बारे में बताया जाए, ही इज़ अ टेंजिंग, ये इसका फ्रेंड है. इसका नाम क्या है? टेंजिंग. ये अपने फादर को बता रहा है, उसकी पेंसिल छोटी हो गई है, इसलिए अपने फादर को बोल रहा है, पापा प्लीज़ बाय मी अ पेंसिल, दिस पेंसिल इज़ अबाउट टू फिनिश. पापा आप मेरे लिए आज बाजार से, मार्केट से एक पेंसिल ला दो क्योंकि अभी ख़त्म होने वाली है, बिकॉज अभी ख़त्म हो चुकी है. सन फिनिश दिस पेंसिल फर्स्ट. उसके फादर ने क्या बोला, सबसे पहले तुम इस पेंसिल को फिनिश करो, देन मैं उसके बाद ला दूँगा. इट इस पेंसिल से भी तुम कुछ दिन और काम कर सकते हो. एज पापा रिफ्यूज, टेंजिंग के फादर ने क्या किया, उसके बात को रिफ्यूज़ कर दिया. टेंजिंग केम आउट विथ द प्लान एंड हैज थ्रोन हिज पेंसिल इन द गार्डन. जब उसके फादर ने उसके बात को रिफ्यूज़ कर दिया तो टेंजिंग ने क्या किया, एक प्लान के साथ घर से बाहर निकला और अपने पेंसिल को गार्डन में फेंक दिया. नाउ पापा विल गिव मी अ न्यू पेंसिल. फिर उसने क्या सोचा कि अब तो मैंने फेंक दिया उस पेंसिल को, अब मेरे पापा मुझे न्यू पेंसिल दिलवा देंगे. ओके, लेटर इन द इवनिंग टेंजिंग कॉन्टैक्ट हिज फादर. फिर इवनिंग में क्या हुआ, टेंजिंग अपने फादर से बात करता है, पापा आई नीड अ पेंसिल, आई हैव टू कम्प्लीट द होमवर्क. पापा मुझे पेंसिल की ज़रूरत है और अपने होमवर्क कम्प्लीट करने के लिए मुझे पेंसिल की ज़रूरत है. टेंजिंग ने अपने फादर को कब बोला, इवनिंग में बोला. सन यू हैड अ पेंसिल इन द मॉर्निंग, वेट इज़ नाउ. उसने बोला, उसके फादर ने बोला, बेटा मॉर्निंग में आपकी पेंसिल जो थी वो अब कहाँ है. आई थ्री इट अवे, मैंने उसे फेंक दिया. दिस इज़ रॉन्ग, टेंजिंग लेट सर्च फॉर इट. उसके फादर ने बोला, तुमने बहुत ही गलत काम किया, जाके फाइंड करो, सर्च करो कि तुमने कहाँ पेंसिल खोजा, फेंका है, सॉरी, तुमने किधर फेंका है, गो एंड सर्च इट. डू यू थ्रो द पेंसिल व्हेन इट बिकम्स स्मॉल, क्या आप लोग भी अपने पेंसिल जब छोटे होते फेंक देते हो? यस आई नो स्टूडेंट. फादर टोल्ड हिम अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द थिंग्स. उसके फादर ने कुछ इम्पॉर्टेंट बात उसको बताया. डू यू नो सन, ट्रीज आर कट सो दैट पेंसिल कैन बी मेड फ्रॉम देम. आप ध्यान से सुनो बच्चों, आप भी सुनो. उसके फादर ने क्या बोला, ट्रीज आर कट सो दैट पेंसिल कैन बी मेड फ्रॉम. ट्रीज जब कट होते हैं तो क्या होता है, पेंसिल बनता है. इफ वी वेस्ट पेंसिल लाइक दिस, अगर हम भी टेंजिंग की तरह छोटा हुआ नहीं पेंसिल फेंक देते हैं, देन सो मैनी ट्रीज विल हैव टू बी कट. तो क्या होगा, अब छोटे पेंसिल हुए नहीं बाहर फेंक देंगे, तो उस अब नया पेंसिल चाहिए, तो क्या होगा, एक बच्चे के 10 बच्चे, 10 से 100, 100 से लेके मतलब कितने बच्चे से करेंगे, तो कितने ट्रीज को कट करना पड़ेगा पेंसिल बनाने के लिए. दिस अल्टीमेटली इफेक्ट द इन्वायरमेंट इन अ बैड वे. उससे क्या होगा, जब ट्री कट जाएंगे तो क्या होगा, इन्वायरमेंट इफेक्ट होगा. इन्वायरमेंट इफेक्ट होगा तो क्या हम भी उससे इफेक्ट होते हैं, करेक्ट. ये हियर इट इज, उसने पेंसिल को सर्च किया, ग्रेट यू फाउंड इट.
उसने वेरी गुड बेटा तुमने इसको फाउंड कर लिया. देन आफ्टर टैंजिंग सेड दैट सॉरी पापा आई विल नेवर वेस्ट एनीथिंग नाउ ऑनवर्ड्स. अब मैं कभी भी कोई भी सामान को वेस्ट नहीं करूँगा. ओके टैंजिंग रिमेंबर दैट हिज टीचर टू टोल्ड हिम नॉट टू वेस्ट एनीथिंग. फिर टैंजिंग को याद आया कि उसकी टीचर ने भी उसे बताया था कि कोई भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए. ही अंडरस्टूड द लेसन दैट हिज फादर टॉट हिम. उसने उसके फादर के द्वारा बताए बात को बहुत अच्छे से समझा. फिर उसने अपने फादर को प्रॉमिस किया कि वो कभी भी कोई भी चीज़ को वेस्ट नहीं करेगा, उसका यूटिलाइज करेगा. यूटिलाइज मतलब उपयोग करेगा, कोई भी चीज़ को वेस्ट नहीं करेगा. द मोरल ऑफ द स्टोरी वी शुड नेवर वेस्ट एनीथिंग. इस स्टोरी का क्या मोरल हुआ कि कभी भी हमें कोई सामान को चीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए. ओके टिक अप करेक्ट आंसर. इसमें मैंने बताया आपको खुद से टिक करना. ओके रीड द गिवन सिचुएशन. सर्कल द क्लाउड ऑफ हैविंग जी इट इज़ अ गुड मैनर और क्लाउड कंटेनिंग एन जी इज अ बैड मैनर. ओके ये आपका दो दिया हुआ है कॉलम जी एंड जी क्लाउड एंड एन जी क्लाउड. जो आपको लगेगा वो गुड मैनर तो आप गुड मैनर पे करोगे. एन जी का फुल फॉर्म हो गया नॉट गुड मैनर. ठीक है बैड मैनर. एन जी का मतलब आपका हो गया बैड मैनर. ओके अगर आप टैंजिंग फर्स्ट टैंजिंग टोल द ट्रूथ टू पापा. टैंजिंग ने अपने फादर को जो बोला कि मैंने पेंसिल फेंक दिया ये गुड मैनर है या बैड मैनर है. जो भी आपको लगेगा उस पर आपको जी करना है फॉर गुड मैनर एन जी करना है फॉर बैड मैनर. ये आप करोगे करेक्ट. नाउ ग्रैप द मॉडल मोरल. वी गेट मैनी वैल्यूबल थिंग्स फ्रॉम ट्रीज एंड आवर सराउंडिंग्स. हमें ट्री से बहुत वैल्यूबल थिंग्स मिलते हैं लाइक टैंजिंग यूज टू वेस्ट पेंसिल. वी ऑल नोइंगली अनोइंगली टू वेस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स. जैसे टैंजिंग ने पेंसिल को वेस्ट किया वैसे ही हम भी क्या करते हैं जानते हुए और जानबूझ के भी बहुत चीज़ को क्या करते हैं वेस्ट करते हैं. वी वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी वाटर फूड एक्सेट्रा. वी शुड ट्राई टू सेव वाटर बाई क्लोजिंग टैप वाइल ब्रशिंग यूजिंग बकेट एंड मग वाइल बाथिंग एक्सेट्रा. जैसे टैंजिंग ने भी क्या किया था छोटे पेंसिल को फेंक दिया था जो भी वो यूज़ कर सकता था. एक पेंसिल को यूज़ करने के लिए एक कप पे ट्री को कट करना पड़ता है. ऐसे ही हमारे भी डे टू डे लाइफ में हम जानते हुए जानबूझकर भी क्या करते हैं कुछ ना कुछ चीज़ को वेस्ट करते हैं. जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी. सपोज करो कि हम इस रूम में अगर बैठे हुए हैं तो हमने फ़ैन और लाइट ऑन किया लेकिन रूम से बाहर निकलते वक्त हम क्या करते हैं फ़ैन और लाइट ऑफ नहीं करते तो हम क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का मिसयूज़ कर रहे हैं वेस्ट कर रहे हैं सब लाइक दैट. और फिर आप जैसे वाटर को ले तो ब्रश करते हो और वाटर का टैप ऑन कर देते हो. जब तक आप ब्रश करते हो तब तक वाटर का टैप ऑन रहता है उससे क्या होता है वाटर वेस्ट होता है. या आपकी मदर काम करती है तो क्या टैप खोल देती है पानी गिर रहा है बर्तन धुल रही है तो क्या होता है ये वेस्ट ऑफ वाटर हुआ. तो इसको भी क्या करना है हमें कंज्यूम करना है इसको हमें बर्बाद नहीं करना है. ओके रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मेक स्टार इन फ्रंट ऑफ इट इज़ ट्रू फॉर यू. काउंट द इन हाउ मेनी स्टार्स यू गेट. आई राइट ऑफ बोथ साइड्स ऑफ पेपर यस आर नो. आप अपने स्टार बनाओ. आई ऑलवेज स्विच ऑफ लाइट एंड फैन व्हेन आई गो आउट ऑफ रूम. जब भी आप बाहर निकलते हो तो अपना लाइट ऑफ फैन ऑफ करते हो क्योंकि मैंने अपने क्लास में जब भी स्कूल ओवर हुआ है आप लोग कभी भी क्लासरूम का लाइट फैन नहीं ऑफ करते हैं. दिस इज़ अ वेरी बैड मैनर. ऑलवेज आपको प्रिंसिपल सर प्रिंसिपल मैम बोलते हैं कि लाइट फैन और छुट्टी होती है लाइट फैन ऑन ऑफ कीजिए पर आप लोग डायरेक्ट निकल जाते हो. दिस इज़ अ वेरी बैड मैनर. हमें जब भी बाहर निकलते हैं जब हमारे कुछ रूम में कोई नहीं है तो उसको हम क्या करते हैं लाइट को ऑफ करते हैं फैन को ऑफ करते हैं. I take only that amount of food that can be. हमें उतना ही खाना लेना चाहिए जितना हम खा सकते हैं. ये नहीं कि जब हम ले लिए खाना अच्छा है बार प्लेट ले लिया और हमने क्या किया प्लेट भर के फिर नहीं खाने का मन हुआ अपने लिमिट से ज़्यादा खाने के बाद क्या होता है हम खाना फेंक देते हैं. वो भी नहीं होनी चाहिए. I use a cloth handkerchief instead of tissue paper. मैं टिश्यू पेपर के बदले क्लोथ का हैंकी यूज़ करती हूँ. I always keep a carry bag with me. मैं हमेशा अपने साथ कैरी बैग रखती हूँ जब भी हम मार्केट जाते हैं तो. ओके कलर योर इमेजिनेशन वॉट
would you do with the following situation? Your mother asks you to use your cousin's old book instead of buying new. तुम्हारी अगर मदर बोलती है, क्वेश्चन आपका ये है, अगर आपकी मदर बोलती है कि तुम कज़न से अपने पुराने बुक्स ले लो नया बुक के बदले. आई विल यूज़ टू ओल्ड बुक एज अ न्यू सेफ पेपर. आई विल यूज़ नो इट्स लुक बैड. तो आप क्या करोगे, ओल्ड बुक को लेके पेपर से ये करोगे, सेफ पेपर करोगे, या बोलोगे नहीं मैं ओल्ड बुक नहीं लूँगी क्योंकि मुझे देखने में अच्छी नहीं लग रही, गंदी लग रही है. ये आपको टिक करनी है. विच वन यू चूज. अगर आपकी मदर बोलती है कि अपने कज़न से पुराने बुक्स ले लो, आप अपर क्लास में गए, आपके आपके कज़न अपर क्लास में गए, आप उसके बाद उनके नेक्स्ट क्लास में जाते हो, तो मदर सेड दैट कि आप अपने कज़न के बुक्स ले लो, तो आप क्या करते हो. आई विल यूज़ बुक्स ओल्ड बुक्स एज इट विल सेव पेपर. आप उस बुक को ले लेते हो क्योंकि आप सेव पेपर सेव कर रहे हो. या आई विल से नो इट इज़ इट विल लुक बैड. या बोलते हो कि मैं वो ओल्ड बुक नहीं लूँगा क्योंकि मुझे वो गंदी लग रही है, पुरानी लग रही है, गंदी हो गई है. यू हैव रिसेंटली रीड दैट योर सिटी हैज़ शॉर्टेज ऑफ वाटर. आप एक रिसेंटली न्यूज़पेपर में पढ़ते हो कि आपके वो सिटी में वाटर का शॉर्टेज हो गया है. ओके. आई विल नॉट बाथ. आप नहीं नहाओगे. या आई विल बाथ यूजिंग अ बकेट एंड मग रैदर देन बाथिंग अंडर द शावर. जब आपको पता चलता है कि आपके सिटी में पानी का शॉर्टेज हो गया तो आप क्या करोगे, नहाओगे नहीं, या आप क्या यूज़ करोगे, बकेट और मग यूज़ करोगे रैदर देन शावर. नहीं यूज, शावर को यूज़ नहीं करके आप बकेट और मग यूज़ करोगे. क्या दोनों में से आपको चूज़ करना है. ओके. नेक्स्ट क्लास में आपको ये सब करवा दिया जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद से करने का कोशिश करोगे, ये सब खुद से कीजिए. उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको मैं ये करवा दूँगी. ठीक है. दैट्स फॉर टुडे. थैंक यू.